जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फिर इस चैनल पे आए। तो आज का हमारा रिव्यू है हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक प्रॉपर्टी है नाल दे राशि और इसका नाम है गोल्फ ग्लेड। शिमला से ये तकरीबन आगे 25-30 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रॉपर्टी में हम स्टे किया था, आज डेट है 29 मई 2024। तो इस प्रॉपर्टी में देखो पार्किंग कितनी है, बड़े बड़े देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। तो वो आगे सामने लिखा हुआ आई लव नालदेरा, ये नालदेरा है ना, ये गोल्फ कोर्स है, यहाँ पे साथ में ही है। इस प्रॉपर्टी के तकरीबन 300-400 मीटर दूर ही है, थोड़ी चढ़ाई है चढ़ के। तो अब हम इस प्रॉपर्टी में एंटर हो चुके हैं। तो इसमें देखो ये इधर रूम बने हुए हैं, उससे आगे भी रूम बने हुए हैं। इसमें ना दो तरह के रूम्स हैं, एक तो है सेमी डीलक्स और एक है डीलक्स। जो सेमी डीलक्स रूम्स है गए हैं उसका जो रेंट है वो 2900 रुपया है, और जो डीलक्स डबल बेडरूम है उसका 3500 है। जो सेमी डीलक्स है वो भी डबल बेडरूम है, उसमें बाथरूम वगैरह बना हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पे वो जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, चार्जिंग स्टेशन भी बना रखे हैं। अब ये ऑपरेटिव है या नहीं है, मैंने वैसे बात की थी, वो कह रहे हैं ये फ्री ऑफ अभी कॉस्ट है, तो इनमें कोई ये चार्जेस नहीं लगाते हैं। तो चार्जिंग स्टेशन ईवी अगर किसी के पास है तो उसके लिए इन्होंने बना रखे हैं। अभी ऑपरेशनल है या नहीं है इसके बारे में अभी कह रहे कोई आया नहीं है ऐसे ईवी लेके जिससे कि गाड़ी चार्ज हुई है। तो आप फ़ोन करके जो इनकी हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की साइट है ना, वहाँ पर होटल का नंबर है, वहाँ पर पता कर लेना। ये देखो पार्किंग कितनी खुली पार्किंग है इसमें। बस इन प्रॉपर्टीज़ का सबसे प्लस पॉइंट यही है, मेरे को अच्छा लगता है कि इनमें पार्किंग बहुत होती है। वो देखो इनमें हट्स भी हैं, वो जो देवदार के पेड़ है ना उनके बीच में दिख रही होगी, ये एक हट्स है, ये एक ऊपर हट्स है। तो ये हट्स भी तीन तरह की है इनके पास, एक तो रेगुलर है डबल बेडरूम है, उसमें 3300 रुपये उसका रेंट है। एक फैमिली हट है इनके पास, उसमें दो बेडरूम है, तो 5200 रुपया किराया है उसका। और एक है इसमें लग्जरी हट, उसमें भी दो बेडरूम है और दो बाथरूम है, साथ में इन्होंने किचन भी दे रखी है। तो उस जो हट का है उसका किराया 7500 रुपये। ये हट्स बिल्कुल देवदार के जो पेड़ है ना उनके अंदर ही हैं। तो ये हमारा रूम है, हमने तो रेगुलर ही अपना सेमी डिलक्स ही बुक करवाया था। तो ये हमारा रूम है, देखो इस रूम थोड़ा साइज़ इतना बड़ा नहीं है लेकिन वेंटिलेशन पूरी है। ये दो चेयर्स है, अंदर इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह ला रखे, टीवी है। तो ये पीछे जाके एक छोटा सा रूम है, इसमें कबर्ड वगैरह है। तो ये वॉशरूम आप देखो, गीज़र लगा हुआ है। तो फिटिंग्स बड़ी बिल्कुल न्यू पड़ी हैं, बड़ी अच्छी फिटिंग्स हैं, मैंने देखा प्रेशर पानी का बिल्कुल अच्छा है। तो इधर दो रजाइयाँ दे रखी हैं ऊपर, वैसे यहाँ पर पंखा वगैरह की ज़रूरत तो है नहीं है, लेकिन कह रहे हैं आजकल गर्मी हो रही है, कोई कस्टमर पंखे की रिक्वायरमेंट करते हैं, लेकिन हमें तो पंखे की ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो ये देखो रूफ़ कितना अच्छा वुडन वर्क कर रखा है। तो रूम का व्यू मैंने आपको दे दिया है। तो बाहर देखो इन्होंने ये लॉन वगैरह छोटा सा बना रखा है। इनकी प्रॉपर्टी जो है ना मोस्टली मेन रोड के ऊपर ही होती हैं, तो शहर के अंदर आपको घुसना नहीं पड़ता। ये इधर एक ये रूम हैंगे, ये मेरे ख्याल में सेमी डीलक्स रूम है, वो आगे जो बड़े हुए हैं ये डीलक्स रूम्स हैं। ये आगे सब देवदार के पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं, फूल वगैरह भी इन्होंने लगा रखे हैं। मौसम बड़ा अच्छा था, सामने से वैली का व्यू भी दिखता था। तो ये इनका मेन्यू है आज की डेट में, वैसे मेन्यू चेंज होते रहते हैं, आज की डेट का जो मेन्यू है इसे पॉज करके आप देख लेना। मैंने सोचा कि आपको इसका एक रिव्यू दे दूँ, मेन्यू में रेट्स वगैरह जो हैं तो आप देख सकते हो। तो बाकी ये इसमें स्लीपर भी दे रखे हैं, तो कई होटलों में इनके स्लीपर हैं, कईयों में नहीं है, जो ये मैंने देखा है। तो ये देखो ये रूम्स सामने, वो डीलक्स रूम है, इधर सेमी डीलक्स रूम है। ये पेड़ देखो देवदार का कितना बड़ा पेड़ है। ये रोड है मेन रोड, ये जो शिमला वाली रोड है ना, शिमला से जाती है ये तत्ता पानी के लिए जो रोड है ना, वो है थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पर। तो ये पार्किंग का आप व्यू देख लो, पार्किंग में कितनी ही गाड़ियां आप खड़ी कर लो। ये कुछ इन्होंने ये शायद बल्ब चेंज करने के लिए लगा रखे हैं। तो बाकी यहाँ पे मौसम इतना अच्छा है ना कि रहने का मज़ा आ गया मेरे को। एक ही नाइट मैंने
स्टे किया था। बाकी अच्छा एक बात मैं और शेयर आपके से करना चाहता हूँ कि इनके जो ऑफ सीज़न होते हैं ना, जैसे विंटर का सीज़न है तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है, और अपना मानसून का सीज़न होता है ना, तो उनमें यहाँ पे इन होटलों में डिस्काउंट अलाउ हो जाता है। 15 जुलाई से ये इनका जो शुरू हो जाता है डिस्काउंट, तो कई होटलों में डिपेंड करता है अलग अलग, तो कई कई होटलों में 30%, किसी में 20%, किसी में 40, किसी में 50, नहीं 40 तक ही देते हैं शायद, 50% एक आधी होटल में है। तो ये मेन रोड आपने देखा, इन्होंने जनरेटर भी लगा रखा है, तो पीछे आपने देखा होगा, तो जनरेटर का मतलब बैकअप के लिए। और इधर देखो ये कितना बढ़िया है एंट्रेंस, यहाँ से ना मेन रोड से अगर आप शिमला से आ रहे हो तो सीधे एंटर कर जाओगे, अगर आप आ रहे हो तत्तापानी साइड से तो आपको वो टर्न मारना पड़ेगा। पार्किंग का क्या बात है, तो इनकी ये इधर देखो, ये सामने जो राइट साइड में है ना, ये इनका कैफेटेरिया है, वो मैं आपको दिखाता चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से जो होटल है उसका एक रिव्यू ले लो। तो बाकी बात और ज़्यादा है क्या बताने से, सामने छोटा पार्क बना रखा है, घास वगैरह फूल वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं। ये नाइट का व्यू है, वो जो ऊपर है वो इनका कैफेटेरिया है, वहाँ पे रिसेप्शन भी इनकी वहीं पे है, और अपना खाने पीने का जो अगर आप बैठ के खाना चाहते हैं उसका व्यू भी बड़े अच्छा है, चारों तरफ से ग्लासेस शीशे लगे हुए हैं, पूरा वैली का व्यू है। ये देखो शाम कितनी सुहानी है, ये रात का व्यू आप देखो कितना, अभी अंधेरा हो चुका है, बस देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे बहुत सारे, उनके बीच में ही ये प्रॉपर्टी है। ये मेन रोड के ऊपर किसी ने ट्रक खड़ा किया हुआ है, तो मेन रोड से सुबह सुबह का ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, मॉर्निंग में कैसा लगता है। तो ये यहाँ पे जो गोल्फ़ खेलने आते हैं ना, वो भी इनकी जो हट्स है ना वो किराए पे ले लेते हैं, अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई रूम में रह जाता है। तो गोल्फ़ कोर्स है जो नालदेरा का ना, ये यहाँ से तकरीबन थोड़ी चढ़ाई तो है लेकिन है 300-400 मीटर ही है, आधा किलोमीटर से कम ही है। तो वो जो बीच में से एक रास्ता निकलता है ना हट्स के अंदर से, यहीं से आप वो सामने दिख रहा है रास्ता, तो वहीं से आप चढ़ घूम के, अगर नहीं जाना है ना घूम के थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो यहाँ से ही आप चढ़ जाओ। तो मैं गया था उसको देखने के लिए, मैं वहीं से आगे चढ़ गया था ऊपर गोल्फ कोर्स के लिए, सुबह सुबह गया था मैं, तकरीबन 6-6:30 बजे का टाइम होगा। ये देखो सुबह सुबह मॉन्कीज यहाँ पे घूम रहे हैं, काफ़ी मॉन्कीज मैंने काफ़ी देखे यहाँ पे सुबह सुबह, लेकिन कुछ कहते तो है नहीं, बाकी पता नहीं है, अगर कोई शरारत करेगा तो उसको कुछ परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं कहते हैं। अगर आप लोगों ने ये रूम बुक करवाना है तो इनकी हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की साइट है, उसके ऊपर आप एडवांस में बुक करवा सकते हो, बिकॉज़ ये जो काफ़ी पॉपुलर स्टेशन है, तो यहाँ का मौसम भी अच्छा है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप को रूम ना मिले, तो आप एडवांस में रूम बुक करवा के यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो इधर से अब फिर मैं गोल्फ के कोर्स देखने का मेरा मन था। ये देखो कितनी ग्रेडियंट है, तकरीबन मेरे ख्याल में 45 डिग्री से ऊपर ही होगी, सांस फूल गई थी मेरी। तो इधर से जाके ना मैं पैदल ही चला गया, बाकी आगे ऊपर मेरे ख्याल एंट्री जो है ना गाड़ियों वगैरह के लिए वो भी अलाउड नहीं है, यहाँ पे घोड़े वाले काफ़ी घूमते हैं, तो वो घोड़े के ऊपर 500 रुपया बोल रहे थे एक चक्कर का, एक सवारी का, तो उसमें भी काफ़ी लोग ट्रेवल करते हैं। ये ऊपर इन्होंने ना ये वाला, ये देखो ये वाला ना ये कैफेटेरिया बना रखा है, तो ये देखो ये इनका कैफेटेरिया है ऊपर, तो इधर भी वैसे गाड़ी आ जाती है। ये हट्स बनी हुई है देखो, ऊपर दिख रही है ना एक हट, ये जो पेड़ है ना इनके पीछे ही है गोल्फ कोर्स, ये है दी टी ऑफ क्या है लिखा हुआ, इनका जो कैफ़े है। बाकी यहाँ पे इधर अब हम चले हैं ऊपर सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, ये थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके इनका कैफेटेरिया आ जाता है, तो कैफेटेरिया में हमने ब्रेकफास्ट किया था, पूरी भाजी इनकी बड़ी टेस्टी होती है, तो हमारा मन है कि आज भी पूरी भाजी खाई जाए, बिकॉज़ हम काफ़ी इनके प्रॉपर्टीज़ में रुकते हैं ना, तो
पूरी भाजी का जो मज़ा है ना वो अलग है। बाकी परौंठा वगैरह भी मिल जाता है, तो पूरी भाजी हमें ज़्यादा अच्छी लगी। आटे की पूरी बनाते हैं ये, मैदे की नहीं बनाते, जो कि बड़ी अच्छी सॉफ्ट बनती है, मुंह में ही पिघल जाती है। तो ये कैफेटेरिया का देख लो थोड़ा इनका, यहाँ पे बैठ के आप खाना एंजॉय कर सकते हो। इधर हमने बैठ गए थे। पूरी भाजी का रेट है शायद आज की डेट में 150 रुपये है। दो पूरी देते हैं, साथ में आलू की भाजी देते हैं। बाकी एक्स्ट्रा पूरी अगर उससे ज़्यादा लोगे तो उसका चार्जेस अलग है। ये है पूरी पूरी भाजी, तो ऐसी होती है। ये पूरियाँ दो पूरियाँ देते हैं और साथ में भाजी होती है इनकी। तो बाकी जो रेट है मैंने आपके लिए वो अपना दिखाई दिया, उसको पॉज करके देख लेना। ये इन्होंने एक होर्डिंग लगा रखी है, राष्ट्रपति जी जहाँ पे रहते हैं ना आगे मशोबरा में, तो उसके बारे में ये एक 50 रुपये में आप टिकट लेके वहाँ पे उसको भी विज़िट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ से चल पड़े हैं। बाकी इतना ही था ये ब्लॉग, आप मेरे ये ब्लॉग देखते रहना। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम निकाला। थैंक्स फॉर योर टाइम।